फुटपाथ की कमी से मुंबई लगातार जूझ रही है। मुंबईकर फुटपाथ होने के बावजूद सड़क पर चलने को मजबूर है। आइए मुंबईकर से जानते हैं कि उन्हें किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है फुटपाथ की कमी होने की वजह से। शहर में फुटपाथ होने के बावजूद आपको सड़क पर चलने पर मजबूर है, इस पर आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? यही कि मैं यही बोलना चाहूँगा, फुटपाथ होने के बावजूद भी बहुत ट्रैफिक बढ़ जा रही है, लोग यहाँ पे पार्क कर देते हैं जिसकी वजह से ट्रैफिक बढ़ती है और लोगों को मजबूरन सड़क पे चलना पड़ता है और जिसके कारण एक्सीडेंट्स बढ़ जाते हैं। आज शहर पे देखा गया है कि सड़क किनारे गड्ढे भी है कई सारे, इससे आपको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? हमें तो दिक्कतों का सामना करना ही पड़ता है, तो फिर उसके बाद जो बड़ी बड़ी गाड़ी है कार्स है उनको तो ज़्यादा सामना करना पड़ता है क्योंकि वो निकल नहीं पाती है खड्डों की वजह से। तो BMC को जल्द से जल्द खड्डा भरना चाहिए ताकि आने वाले मानसून के लिए ये सब रिपीट ना हो। हाँ, बहुत ही तकलीफ पड़ रहा है और आने जाने हर पब्लिक को आने की परेशानी है इधर, और लोगों को आने की कभी एक्सीडेंट का प्रॉब्लम रहता है, कभी कुछ और प्रॉब्लम रहता है, ऐसी बहुत प्रॉब्लम है सामने। बस यही ऐसा ये प्रॉब्लम चल रहा है, अगर ये सही हो जाए तो लोगों को आज अच्छा है ना। प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए ना, प्रशासन को ना, अगर इसे पब्लिक को ऐसा नहीं सुनेगा तो फिर पब्लिक दूसरे टाइम कैसा है, उसका नहीं सपोर्ट करेगा। आपने देखा होगा कि रोड पे बहुत सी जगहों पे फुटपाथ को घेर लिया गया है और फुटपाथ पे काफ़ी सारे इंक्लोजमेंट डाल दिए गए हैं, उसके वजह से काफ़ी परेशानी होती है। जो फुटपाथ पे चलने लोग हैं उनको मजबूरन रोड पे चलना पड़ता है, उससे एक्सीडेंट्स और छेड़छाड़ियों का मामला काफ़ी आया है। जैसे किसी को कुछ टच हो गया तो मारा मारी, किसी के ऊपर कुछ भी ब्लेम ऐसा आ जाता है, तो इसके वजह से काफ़ी परेशानी होनी पड़ती है और इसके वजह से काफ़ी सारा नुकसान होता है। तो जो भी रोड पे फुटपाथ है उसको हटाने की कोशिश करे प्रशासन और उसके ऊपर काफ़ी कार्रवाई करे। प्रशासन की ओर से किस तरह की कार्रवाई की आप मांग करते हैं, क्योंकि आपने जिक्र किया जो फुटपाथ है वो ऑक्यूपाइड है ऑलरेडी, तो ऐसे में आप क्या सुझाव देना चाहेंगे सरकार को? सरकार को मैं ये सुझाव देना चाहूँगा कि जितने भी ऑक्यूपाइड फुटपाथ हैं उसको जल्द से जल्द खाली कराया जाए, जो भी इंक्लोजमेंट जो भी फुटपाथ पे किया गया है उसको साफ कराया जाए, BMC से उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और प्रशासन इस बात का ख्याल ज़्यादा रखे कि वोट देने वाली जनता ही आपको जिताती है और BMC में उन्हीं के टैक्सेस से और उन्हीं के काफ़ी फंडों से आप लोगों का पूरा गवर्नमेंट का पूरा काम काज चलता है, तो इसके वजह से प्रशासन को काफ़ी सारी प्रॉब्लम जो पब्लिक को होती है, पब्लिक को जो प्रॉब्लम हो रही है उसके ऊपर ध्यान देते हुए जितने भी फुटपाथ पे जितने भी इंक्लोजमेंट है या जितने भी फुटपाथ पे जो भी परेशानियां हैं जिसके वजह से पब्लिक को हो रही है वो सारी की वजह से काफ़ी सारा ध्यान देना चाहिए और फुटपाथ पे जितना भी इंक्लोजमेंट है सारा का सारा हटाना चाहिए और जितनी भी वहाँ पर जो भी किसी का भी हो, चाहे वो पॉलिटिशियन का हो चाहे वो कोई भी ऐसा गुंडे का हो, तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और कड़ी से कड़ी कार्रवाई के बाद उसके ऊपर एक्शन लिया जाए। देखिए जो भी अनलीगल जो भी मतलब रोड पे जो भी पड़ा रहता है, जैसे कोई भी गाड़ी खड़ा रहता है या अपना कोई भी टेम्पो है या भी कोई भी बिजनेस लगाते हैं, उनको तुरंत हटाना चाहिए। और जो भी है म्युनिसिपैलिटी का काम है, जब वोट लेने आते हैं तो हाथ जोड़ते हैं और अपना काम 5 साल में कुछ करते नहीं है, उनको ज़रूर से ज़रूर कार्रवाई करनी चाहिए। कोई भी बड़ा रहे, भले अपना गवर्नमेंट जॉबर रहे या प्राइवेट सेक्टर का रहे, बोले पैसे वाला रहे या बिल्डर रहे, अनलीगल जो कंपनी का जो अपना है जगह है उनको तुरंत खाली कराना चाहिए ताकि पब्लिक को आने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो और पब्लिक को मतलब कोई भी जैसे कोई भी गाड़ी जैसे कोई साइकिल वाला चल रहा है, कोई पैदल चल रहा है, उसको धक्का ठोके चलते हैं, पार्किंग नहीं मिलती है, कहीं भी अनलीगल जो पार्किंग भी होती है उनको भी हटाना चाहिए तुरंत और एक्शन लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो कंप्लेंट करने के बाद भी कई बार अपना ये टोज वाले आते नहीं हैं, कर लेंगे या कोई भी काम का पूछते तो बोलेगा ये तो चलता रहता है, ये तो उसका हाथ है, वो नहीं होना चाहिए। 5 मिनट का रास्ते में जाने के लिए कम से कम वहाँ 1 घंटा लग जाते हैं, क्यों होता है ऐसा? ट्रैफिक वाला जहाँ पैसा लेना रहेगा चुपके से खड़ा रहता है, ये क्या जहाँ काम होता है वहाँ सिग्नल पर खड़ा रहो ना, अपनी वर्दी में रहो और तुरंत उसके ऊपर एक्शन लो ना, फटाक से साइड में लो और बिल बताओ, उसका पेनल्टी मारो, 100 रुपये जेब में डाल के चलने का क्या मतलब है इसका? हाँ, उसके ऊपर एक्शन लो। ऐसा नहीं कि पब्लिक को बोल दिया हाँ हाँ करता हूँ, वो कागजी कार्रवाई नहीं होना चाहिए, रियली होना चाहिए। जैसे मोदी कर रहा है ना, रियली फटाक से किसी ने इंक्वायरी किया बोला तुरंत वो हटना चाहिए। ऐसा नहीं कि साहब 100 रुपये नहीं, जाओ जुर्माना भरो और वहाँ से फटाक से हटा दो, बोले 2 व्हीलर हो 4 व्हीलर हो या ट्रक जिसका गाड़ी को, अगर आपको जिसके मकान है, एक मकान है और 2 गाड़ी को 3 गाड़ी को क्यों लाइसेंस देते हैं वो लोग? एक है तो एक को दो 1 बाई 1, दूसरा उसको अलाउड ही नहीं है। इसके लिए मजबूरी में चलता है आदमी, रोड पे चलने की वजह ये कि पूरे फुटपाथ पे कब्जा फेरी वालों का, तो मजबूरी में चलता है आदमी और एक्सीडेंट होने की वजह भी यही है कि आदमी मजबूरी में चलता है, वो अकस्मात हो जाते हैं उसके लिए। तो इसके लिए गवर्नमेंट का काम है कि फेरी जोन बनावे, इसमें पब्लिक को परेशान करने का मतलब क्या, पब्लिक परेशान है।
ये गवर्नमेंट का काम है कि फेरी जोन बनावे और फेरी हर एरिया में बनता है फेरी जोन। आवाम भी है ना खड्डे बचाकर हर जगह चलती है, आज एक्सीडेंट भी वगैरह होते हैं, गाड़ियाँ ख़राब होती है, ये भी खड्डों के वजह से गाड़ियाँ गिरती है अंदर, बच्चों को परेशानी तकलीफ है, यहाँ पर स्कूल है, दो दो मस्जिद है, इसी वजह से आप देखना चाहिए कि खड्डे बराबर देखना चाहिए लोगों, गवर्नमेंट को काम पहले करना चाहिए, बीएमसी को खड्डे बराबर करना चाहिए। आज गटर का पानी कितना बैठा है, आप स्कूल के पास ही जाके देखो कितना गटर का पानी बैठा है, सुबह यहाँ 10 बजे और पूरा पानी यहीं पर बैठा है, कहीं लेटर गए सब कुछ हुआ, आज तक वो देखो नहीं हुआ है, आज तक ये देखो आगे मैं आपको बता सकता हूँ कि कितनी स्कूल के पास ही कितना पानी बैठा है और दो दो मस्जिद है, आज तक कोई ध्यान नहीं था, स्कूल के लेटर गए हैं, मस्जिदों के लेटर गए, आवाम के लेटर गए, मगर आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। शहर की रोडों के क्या आप गलियों में भी देखिए, यहाँ पे बगल में एक स्कूल है जो काफ़ी बच्चे उसके अंदर पढ़ते हो, बगल में दो मस्जिद भी है, आप वहाँ पे चल के देखिए, जब देखो सुबह के टाइम पे इतना पानी वहाँ से निकलता है कि बच्चों को मजबूरन उस पानी के अंदर से, गटर के पानी के अंदर से होके जाना पड़ता है, जो कि काफ़ी बीमारी का सबब बनते जा रहा है, काफ़ी बच्चे बीमार हो रहे हैं उसके वजह से। अब मस्जिद में देखिए नमाज के टाइम पे लोग जाते हैं और गटर में से जाना पड़ रहा है, यहाँ का प्रशासन जो कि आज सो रहा है उसको कोई खबर नहीं, कितना लेटर डाला गया बीएमसी में गया कि आप ये देखिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन उनके कानों तक आज तक कोई जू नहीं रहेंगी। तो मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि आप वहाँ तक पहुँचाइए कि कम से कम ये जो मस्जिद में लोग नमाजी आते जाते हैं और जो स्कूल में बच्चे आ रहे जा रहे हैं उनके लिए ये सुविधा हो कि कम से कम ये जो रोड है जो गटर आज भर रही है और ये साफ़ होने के बाद में हर बच्चों को आसानी हो, जो नमाजी उनको जो तकलीफ़ हो रही है वो तकलीफ से मुक्ति मिले। अभी बारिश का मौसम गया, वहाँ का नगर सेवक जो था अभी चंगेज मुल्तानी, उसी ने भी बराबर कुछ काम नहीं किया, खाली वादे किए उन्होंने भी, और अभी तो फिलहाल ये सीट अपनी ऐसी पड़ी है, शांति लावारिस पड़ी है। हम ये चाहते हैं कि यहाँ का रोड पूरा पर कंप्लीट बने और यहाँ के नगर सेवक जो भी अभी फिलहाल बने उधर बराबर सुनवाई हो, और ये मोहल्ले की सुनवाई कोई नहीं करता है, और यहाँ पर मस्जिद में नमाजियों को देख लो तुम, यहाँ की जाने वाली पब्लिक को देखो, छोटे बच्चे हैं जैसे हमारे, और प्लस वो पानी भरने के बाद में जो अभी डेंगू की शिकायत है, मलेरिया की सब शिकायत है, मेरे बच्चे को टाइफाइड मलेरिया सब हो गया, पीछे शिफ्टिंग के पास आओ गंदगी, ना इधर कचरा सुनने वाला कोई है ना कचरा उठाने वाला कोई है, बस आते जिसको बुलाओ, यहाँ पे जैसे अभी आ गए कोई तो आ गया, जैसे हमारे को लेके जाना पड़ता है, बोले भाई हमारा ये काम कर दो, तो उसके दिल में आया रेम तो बेच देते, अभी वो बोलते कि नहीं ये तो तुम्हारा बिल्डर का काम है, ये करो वो करो, वहाँ पे पूरी गंदगी है, उधर पे भी रोड पे भी गंदगी है, और सबसे ज़्यादा तो बीमारी यहाँ पे ऐसी है कि दवाखाने पूरे खचाखच भरे हैं और एक ही जान कमा रहे हैं यहाँ के डॉक्टर। तो यही चाहते हैं कि यहाँ के रोड का और साफ़ सफाई का जरा आप लोग से कुछ होता है तो आगे दरख्वास्त कीजिए गुलशन नगर के एरिया के लिए। सर मैं है जो यहाँ पे बचपन से रहा हूँ और ये जो स्कूल है अली त्याज स्कूल, इसमें मैं भी पढ़ाई किया हूँ, पहले इसका ये हाल नहीं था, अभी फ़िलहाल ये 2-4 सालों से इतनी तकलीफ़ है, बच्चे छोटे छोटे नर्सरी के बच्चे केजी के बच्चे वो गंदे पानी में नाले के पानी में उनको आना जाना पड़ता है, ना यहाँ पे बराबर सड़क का काम है ना नाले का काम है। हम लोग से कोई भी रहे हमसे यही है कि हमारे यहाँ की सड़क और हमारे यहाँ के नाले वगैरह जो है, मस्जिद में नमाजियों को ना तकलीफ़ हो और छोटे छोटे बच्चों को, स्कूल के टीचरों को, ये स्कूल के प्रिंसिपल को, हर चीज़ हर वो हमसे हमेशा यही बात बोलते रहते हैं कि भाई इसका कुछ कराओ इसका कुछ कराओ। तो हम लोगों ने कई लोगों से बोला लेकिन हुआ नहीं कुछ भी, फिर भी अभी थोड़ा बहुत एक टेम्परवाड़ी हो गया है, फिर भी आप चल के देख लीजिए कि उसमें से भी नाले का पानी बाहर आ रहा है। इसमें मेरा यही बोलना है कि सरकार को है ना गाड़ी से सर्वे करना चाहिए, आप बांद्रा से गाड़ी स्टार्ट करो और दहिसर तक जाओ, आपको रास्ते में और वीडियो शूटिंग निकालते हुए जाओ, तो आपको जो जो चीज़ क्लिक होएंगी खड्डे उसको आप नोट करो सीडी में देख के, फिर आप लिंक रोड पकड़ो, लिंक रोड से स्टार्ट करो और दहिसर लिंक रोड पे जाओ और वीडियो शूटिंग चालू करके रखो, वो आपको मालूम पड़ जाएगा, फिर आप बांद्रा वेस्ट के एसवी रोड पकड़ो, डायरेक्ट बोरेवली तक जाओ, सीधी सी बात है, सिंपल बात है, उसमें कोई गवर्नमेंट इतना समझदार है उनको समझाने की क्या ज़रूरत है, वीडियो शूटिंग निकालो और वीडियो शूटिंग पे खड्डा दिख जाएगा, बाद में सीडी में बैठ के वो टिक करो, वो खड्डे को भर दो, बात खत्म, 5 दिन में मसला हल हो जाएगा, ये कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है, जनता का काम है लोगों को बिठाना, अब लोग बैठने के बाद काम नहीं करेंगे तो जनता क्या करेंगी, काम तो उनको करने का ना। अभी मैं आपको जो फार्मूला दिया हूँ तो ये मैं फार्मूला दे रहा हूँ सरकार को और एकदम बेस्ट फार्मूला दे रहा हूँ, 5 दिन में सब खड्डे भर जाएंगे, मेरा चैलेंज है, और अगर गवर्नमेंट को वो भी समझ में नहीं आता तो मैं आने के लिए तैयार हूँ, मैं अपना 5 दिन कीमती देता हूँ काम धंधा छोड़ के सड़क के लिए, और वो सब दिखा देता हूँ, हो जाएगा काम 5 दिन में।
तो जनता फुटपाथ और सड़क के हालत को लेकर काफी ज्यादा परेशान है। सड़क की हालत खस्ता है और फुटपाथ पर जो फेरी वालों ने कब्जा किया हुआ है उससे जनता काफी हद तक त्रस्त है। ऐसे में प्रशासन क्या भविष्य में कोई कदम उठाएगा, ये तो देखने वाली बात है। कैमरामैन FS पटेल के साथ सौम्य सिंह, इन 24 न्यूज़, मुंबई।